हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लाया हूँ जो मैंने अपने लिए ख़रीदा है इन दिस अमेज़ॉन सेल। और वो प्रोडक्ट है ये रियलमी के बड्स वायरलेस प्रो विथ ANC। यस, ये प्रोडक्ट रियलमी ने अभी नया लॉन्च किया है जस्ट, और मैंने इसे ख़रीदा है। मुझे एक नेक बैंड की ज़रूरत थी तो मैंने इसे ख़रीदा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं जो सोच रहा हूँ अभी इन दिनों कि रियलमी और शाओमी, ये लोग आजकल नंबर गेम पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहे हैं। 4 कैमराज 5 कैमराज, डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा, और 2 कैमराज पीछे सामने, और 48 मेगापिक्सल, 64 108, ये सब आजकल नंबर गेम कुछ ज़्यादा ही हो गया है इन दोनों के पास खास करके। उसी का ही ये एक नतीजा है ये प्रोडक्ट। यस, ये है मेरा नेक बैंड, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मैंने लिया है ग्रीन कलर में, मुझे इसका ब्लैक एंड येलो एक्सेंट नहीं पसंद था तो मैंने ये लिया। मैंने अनबॉक्स कर दिया, आई जस्ट डोंट वांट टू गो विद द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड ऑल, बिकॉज कुछ खास मिलता नहीं है। ईयर टेप्स, चार्जिंग केबल। दिस नेक बैंड सपोर्ट्स USB Type-C फॉर चार्जिंग। यस, अब मैं बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ नंबर गेम। मैं पहले उसी को बताता हूँ। जब मैंने इसे निकाला था इसके बॉक्स से, तो आई वॉज़ लाइक वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी भारी। क्यों? बिकॉज नेक बैंड एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी, बहुत प्रीमियम फिनिश में आती है। और आप इसके ड्राइवर्स देखो। यस, ये जो ईयरबड्स देख रहे हो कितना बड़ा है, ये देखिए, इट्स ह्यूज। आप जब इसे देखोगे ना सामने से, इसके अंदर में 13.5 mm के ड्राइवर्स हैं, बेस बूस्ट ड्राइवर्स। यस, 13.5 mm, लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ 13.5 mm? अननेसेसरीली भारी हो जाता है, ये इतना भारी हो गया। आप सोनी को ले लो, यू टेक फॉर इंस्टेंस सोनी, दीज पीपल, ये लोग क्या करते हैं, सोनी क्या करता है, एक बैलेंस्ड साउंड स्टेज, बहुत बढ़िया बेस, बहुत बढ़िया ट्रेबल, सब कुछ देता है, जबकि उसके ड्राइवर रहते हैं 8 mm 10 mm, दैट्स इट। मैंने इससे पहले एक प्रोडक्ट यूज़ किया था साउंड मैजिक का, E10 BT, वो भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। उसके जैसा साउंड स्टेज और बैलेंस्ड ऑडियो मैंने आज तक किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस में नहीं सुना। दैट वॉज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और छोटा सा ड्राइवर था उसके अंदर। तो दैट इज़ वाई आई सेड दीज पीपल आर गोइंग बिहाइंड नंबर गेम्स। बट येस, द क्वालिटी ऑफ द ऑडियो इज मच बेटर देन द प्रीवियस रियलमी वायरलेस नेक बैंड, दैट वॉज द Series 1 जो आया था। ये तो प्रो है। अब रह गया बात, आते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पर। वायर्स यूज इन दिस, ये जो वायर है ना, ये वायर बहुत अच्छा क्वालिटी का है, एकदम मोटे वायर्स हैं। ये भी बढ़िया है, हैवी 13.5 mm ड्राइवर्स, और ये है मैग्नेटिक। पहले की तरह ये मैग्नेटिक है, जब ये आपस में आप इसे क्लिंच कर दोगे, जब आप इसे लगा दोगे तो ये ऑफ़ हो जाता है, ये हेडफोन ऑफ हो जाता है। और जैसे ही आप इसे खोलोगे, ये वापस पेयरिंग मोड में जा करके आपके एक्टिव मोबाइल कनेक्शन से पेयर इमीडिएटली हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक कॉल्स विद दिस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर ऑन रियलमी नेक बैंड्स। और इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है इमेंसिव बैटरी बैकअप। यस, इमेंसिव बैटरी बैकअप। सेकेंड पॉइंट, अब आते हैं इसकी फंक्शंस पर। ये आप देख रहे हैं इधर, ये जो बटन्स है यहाँ पर, यस, ये देखिए, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और ये एक जो बीच में है बटन, ये वाला, ये है मल्टी फंक्शन बटन। इससे आप कॉल्स रिसीव, रिजेक्ट 2 बार प्रेस करोगे तो नेक्स्ट ट्रैक, 3 बार प्रेस करोगे तो प्रीवियस ट्रैक, ये सारे फंक्शन एक इस बीच वाले बटन से हो जाएगा। दूसरा बात इसमें जो है, आप जब कॉल रिसीव करते हैं तो एक बार प्रेस करने से फटाक से कॉल रिसीव हो जाता है, बट वही जब आपको कॉल रिजेक्ट करना होता है तो लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड का पुश चाहिए उसे, वो एक बार में प्रेस करके होता नहीं है, जो बाकी सारे हेडफोन्स में होते हैं वो इसमें नहीं होता। अब आते हैं इसका जो सबसे मेन बटन है, ये थर्ड वाला, ये वाला, ये देख रहे हैं, यस, ये तो मेन इसका कंट्रोल हो गया पूरा। और ये एक जो बटन है यहाँ पर, इस बटन में इसे यहाँ पर दिया गया है
normal mode, first press, second press is ANC on and third press is transparency mode. इसके अंदर ये तीन modes हैं. उससे होता क्या है, normal mode जो आपका normal headphone है बस उसी तरह से काम करेगा. जब ANC mode आप on करते हो तो ANC mode में आप अपनी दोनों उंगलियों को कान के अंदर डालिए, वो जो प्रेशर जनरेट होता है ना, लिटरली वो प्रेशर जनरेट करता है और बाहर के जितने भी साउंड्स हैं उसे ऑफ़ कर देता है. आपको खाली म्यूज़िक सुनाई देगा, ठीक है, खाली म्यूज़िक सुनाई देगा वो. और ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको बाहर की आवाज़ें भी आएंगी और म्यूज़िक भी सुनाई देगा. नाउ हियर आर माई फाइंडिंग्स फॉर टू डेज ऑफ माई यूसेज. नॉर्मल मोड में आप इसे यूज़ करो, दैट इज़ दी बेस्ट. ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका ये इन ईयर टाइप है, इन ईयर ऑलरेडी इसके अंदर में आपके कान को सील कर रहा है. हाँ, आप एरोप्लेन में जा रहे हैं या वो टर्बाइन इंजन्स का आवाज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा सराउंडिंग में आवाज़ है तो एक अलग बात है, बट इन ANC द म्यूज़िक क्वालिटी टेक्स अ हिट. म्यूज़िक क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है नॉर्मल मोड से. यस, ये बात का आप ध्यान रखिएगा. नॉर्मल मोड में इसका म्यूज़िक क्वालिटी बहुत बढ़िया है, बेस बहुत अच्छा है. ये सोनी हाई रेस ऑडियो LDAC को सपोर्ट करता है, जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेयरिंग मोड के बाद ऑन हो जाता है. रियलमी लिंक ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप देखिएगा आपका बेस बूस्ट मोड ऑन रहता है. जब आप रियलमी लिंक ऐप से इस हेडफोन को पेयर कर लेंगे तो आप देखिएगा बेस बूस्ट मोड ऑन है और साउंड एनहांसर भी ऑन है. मैं बोलता हूँ आप उस दोनों को ऑफ़ कर दो, फिर जो एक साउंड आपको मिलेगा ना वो बहुत बढ़िया मिलता है. इसके बाद आते हैं ANC ट्रांसपेरेंसी मोड, मैंने आपको बता दिया. नाउ द मेन पार्ट इज़, मैं अपना जो पुराना हेडफोन है ये मीवी कॉलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आज बहुत टाइम से, इसमें है एक फ़ीचर CVC क्लियर वॉइस कैप्चर version 6. ये एक क्वालकॉम का प्रोप्राइटरी फंक्शन है जो काम करता है बहुत बेहतरीन तरीके से. और वो कब काम में आता है, जब आप बाइक चला रहे हो. जैसे मैं सारा दिन बाइक चलाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ तो मेरे को कॉल्स लेने होते हैं ऑन द गो. मैं जब ड्राइव कर रहा हूँ, मैं कॉल्स आते हैं तो मैं रिसीव करता हूँ, तो सामने वाली पार्टी CVC फंक्शनैलिटी के वजह से सामने वाली पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरी आवाज़ सुनने में. वो जो बाइक चलाते हैं अपने ना, तो वो जो हवा होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता. तो CVC इसको काफ़ी कुछ हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए. Realme Wireless Pro में, वायरलेस बड्स में, जो इसका पहला जेनरेशन था, इसमें ये फ़ीचर नहीं था. जब मैं यूज़ कर, मैंने वो यूज़ किया हुआ है, वो फ़ीचर मुझे नहीं मिला तो मैंने उसे बेच दिया था. तो वो फ़ीचर इसमें नहीं था. जब आप ट्रैवल कर, जब आप राइड करते थे तो मेरे को ये वो जो हवा का आवाज़ है वो सामने वाली पार्टी कंप्लेन करती थी. उन्हें पता चल जाता था कि मैं रोड पर कहीं बाइक चला रहा हूँ या कुछ भी है, वो सराउंडिंग नॉइज़ बहुत आता था. बट Realme Buds Wireless Pro with ANC. ANC इसमें कुछ नहीं करता है. कॉल्स लेने के लिए ANC का कोई भी वर्क नहीं है. इट डजेंट सपोर्ट यू इन टेकिंग कॉल्स और ड्यूरिंग द कॉल्स. वॉट इज़ हियर इज़ कि इसके अंदर में आप देखो, यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखिए, एक माइक, दो माइक, तीन माइक. इसके अंदर में तीन माइक्स दिए हुए, डेडिकेटेड माइक्स, विच वर्क्स एज ENC एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन, जिसकी वजह से आपका कॉल टेकिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाता है. बट ऑन नॉर्मल मोड, अगर आप ANC ऑन करके कॉल्स लेंगे तो आपको इतना डिस्टर्बेंस होगा कि आपको सामने वाली पार्टी की यानी दी कॉलर की आपको आवाज़ ही नहीं आएगी. एंड लीव अबाउट ट्रांसपेरेंसी मोड, टू टेक कॉल्स ऑन दिस नेक बैंड यूज़ इट ऑन द डिफ़ॉल्ट नॉर्मल मोड. द कॉल्स आर वेरी क्लियर, आपको आवाज़ सुनाई भी देगा और आपकी आवाज़ भी वहाँ तक आराम से जाएगी. आप बाइक चला लो, गाड़ी चला लो, कैसे भी चला लो, इट इज़ वर्किंग रियली वेरी ग्रेट. तो सारांश मेरी दो दिन की फाइंडिंग की यही है, बैटरी बैकअप इज़ गुड. और जो भी इसमें कॉलिंग का भी जो फंक्शंस दिया हुआ है, दैट इज़ ड्यू टू ENC, द कॉल इज़ ऑल्सो, द कॉल क्वालिटी इज़ गुड, म्यूज़िक एक्सपीरियंस इज़ गुड,
विद द प्राइस मैंने इसे ख़रीदा अमेज़ॉन के सेल पर 3,000 रुपये में, आज इसका दाम होना चाहिए 4,000 रुपये, 4,000 इसका प्राइस हुआ था जो मेरे को डिस्काउंट में इंट्रोडक्टरी ऑफर में अमेज़ॉन के सेल पर 1,000 रुपया कम में मिल गया। फॉर द प्राइस ऑफ 3,000 दिस नेक बैंड इज़ अ मस्ट बाई, गुड क्वालिटी, गुड बिल्ड, गुड साउंड एंड गुड फॉर टेकिंग कॉल्स, गुड फॉर हियरिंग म्यूजिक, यही है। एंड अगर आपको मिल जाए इसका ग्रीन कलर तो गो फॉर द ग्रीन कलर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल जो मैंने लिया है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो तो ज़रूर आई विल बी वेटिंग फॉर इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ़।